नमस्कार, आप देख रही हैं महुआ खबर और आपके साथ मैं हूं क्रांति सिंह। दिन पर दिन राजनीतिक गलियारों में एक के बाद एक राज्य की एंट्री हो रही है और इसकी सियासत जो है वो जमकर हंगामे का रूप ले रही है। इसी की एक तस्वीर जो है वो दिल्ली की राजनीति से भी निकल कर के आ रही है, जहां पर आम आदमी पार्टी जो है वो अब अपने तरफ से बड़ा आरोप बीजेपी के ऊपर लगा रही है और कह रही है कि लोटस ऑपरेशन चलाया जा रहा है, जिसके तहत उनके विधायकों को तोड़ने की कोशिश की जा रही है। और साथ में ये भी बड़ा दावा किया जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी जो है वो एक षड्यंत्र के रूप में की जाएगी। जी हाँ, ये तमाम दावे जो है वो कोई और नहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं। आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल ने ट्विटर पर एक पोस्ट किया और अपने पोस्ट के जरिए उन्होंने इस बात का हवाला दिया कि बीजेपी लोटस ऑपरेशन के जरिए यहाँ आम आदमी पार्टी के विधायकों को अपनी तरफ करने की कोशिश कर रही है, जिसके लिए आम आदमी पार्टी के विधायकों ने सिरे से नकार दिया है। क्या है पूरा मामला, चलिए अब समझते हैं। दरअसल बीजेपी को लेकर के बीते दिनों से ही ये अफवाह फैलाई जा रही थी, या फिर यूं कह लीजिए ये बात जो है वो राजनीतिक गलियारों में जोरों शोरों से चल रही थी कि आम आदमी पार्टी जो है वो आबकारी नीति के खिलाफ है। उन्होंने शराब नीति में अपनी तरफ से जो योगदान दिया है वो कहीं ना कहीं पूरी तरीके से एक षड्यंत्र के रूप में रहा है, क्योंकि उसकी तरफ से जो है भ्रष्टाचार करके पैसे जनता से लिए गए हैं और ये बड़ा आरोप जो है वो आम आदमी पार्टी के तमाम वरिष्ठ नेताओं के ऊपर लगाए गए, जिसमें अरविंद केजरीवाल तक शामिल है। आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल को लेकर के ईडी की तरफ से बड़ी कार्रवाई की जा रही है। माना ये तक जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल की भी गिरफ्तारी उन तमाम नेताओं की तरह हो सकती है जिनको अपने पद को भी त्यागना पड़ा। वहीं दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल अपने पोस्ट के जरिए ये कह रहे हैं कि लोटस ऑपरेशन चला करके जो है उनके साथ विधायकों के साथ बीजेपी संपर्क में आई है और बीजेपी ने ये बात उन विधायकों को कहा है कि आप जो है हमारी पार्टी को ज्वाइन कर लीजिए, हमारी पार्टी की तरफ से चुनाव लड़िए और आपको हम 25 करोड़ रुपए भी देंगे, बस आपको करना ये है कि आपको आम आदमी पार्टी का साथ छोड़ना है। वहीं दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी जो है वो ये और दावा कर रही है कि ऑपरेशन लोटस के तहत जो है एक षड्यंत्र रचा जा रहा है और उस षड्यंत्र में बीजेपी जो है ये चाह रही है किसी भी तरह से दिल्ली की सत्ता जो है वो उनके हाथ में आ जाए, चाहे उनके लिए उन्हें साम दाम दंड भेद कोई सी भी नीति क्यों ना अपनानी पड़े। अब आम आदमी पार्टी की तरफ से ये आरोप, उसमें भी 25 करोड़ रुपए तक देने की बात कही गई है, ये आप लोगों को कितना सही लगता है हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए महुआ खबर।